हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम बनाएंगे सुंदर से रोज़ लटकन डिज़ाइन। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए 2 फैब्रिक राउंड पीस। आप चाहे तो इन्हें दोनों अलग अलग कलर के भी ले सकते हैं, मैंने लेकिन यहाँ पर सेम कलर के लिए हैं। तो इसे मैं इस तरीके से अब कट कर लेती हूँ। तो लगभग इसकी चौड़ाई 5 या 4 इंच के करीब आप रख सकती हैं। तो दोनों फैब्रिक हमारे सेम कटने चाहिए और उसके बाद इसमें राउंड में हम स्टिचिंग चलाएंगे। बस 1 इंच यहाँ पर छोड़ देंगे, बाकी के स्टिचिंग करेंगे। तो पूरे राउंड पर हमने स्टिचिंग चलानी है 1 इंच छोड़ के। तो हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर से जहाँ से हमने खुला छोड़ा था वहाँ से हम इसे पलट लेंगे। तो हमने इसे पलट लिया है। इसके बाद जो इसकी गोलाई में हम इसको सेट करेंगे, इस तरीके से कोई भी नुकीली चीज़ डालेंगे और इस तरीके से सेट करेंगे। और जो खुला पार्ट था उसे भी हम स्टिच कर लेते हैं अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए। अब हम यहाँ पर बीच में सेंटर में डोरी रखेंगे और इस तरीके से फैब्रिक को ले लेंगे। उसके बाद इस पर स्टिच चला देंगे ताकि हमारी डोरी स्टिच रहे। तो यहाँ पर हमने डोरी को भी स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक नीडल ले लेंगे और नीडल की सहायता से इस पर प्लेट्स लगाएंगे कुछ इस तरीके से। अब इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो ये अब कुछ इस तरीके से लगेगा। इसके बाद हम इसे इस तरीके से नीचे की तरफ को टर्न कर देंगे और अच्छे से इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सुंदर सा फ्लावर बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है। तो आप इस तरीके से अपने ब्लाउज सूट के लिए सुंदर से लटकन तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।